हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वन प्लस नॉर्ड सीरीज का स्मार्टफोन जिसका नाम है वन प्लस नॉर्ड CE3 5G। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक डिजाइंस, कैमरा पर देखते हैं कैसा रहता है ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस जानते हैं। दोस्तों, आप इसे अमेजन से परचेज कर सकते हैं 26,999 रुपए में, और अगर आपके पास है SBI का क्रेडिट कार्ड तो आपको इसमें 2,250 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये मिलेगा आपको 24,799 रुपए का। हालांकि Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ये लगभग 23,000 रुपए का भी हो रखा था क्रेडिट कार्ड ऑफर का यूज करने के बाद। ब्लैक कलर का बॉक्स आता है जिस पर आपको कहीं भी मोबाइल का डिजाइन नजर नहीं आएगा, हर तरफ नॉर्ड 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 लिखा हुआ है, और पीछे की साइड थोड़े बहुत हाईलाइट फीचर्स मेंशन किए गए हैं, इन्हें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसको दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अब फटाफट से हम इसे ओपन करना शुरू करते हैं और यहां से हर जगह से इसकी पैकिंग को रिमूव कर देते हैं, और फाइनली ये हो गया है ओपन। और अब यहां पर सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स हमें नजर आता है, वन प्लस का लोगो यहां पर दिख रहा है। इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो यहां पर बहुत सारे स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं, कार्ड काफी लुभावने कार्ड यहां पर दिए गए हैं दोस्तों, और साथ ही यूजर मैनुअल आपको दी गई है, सिम इजेक्टर पिन आपको इसमें मिल जाती है। कवर देखिए, काफी यूनिक सा अलग सा टाइप का आपको सिलिकॉन का अच्छा कवर मिल जाता है, काफी सॉफ्ट है दोस्तों, और मोबाइल की सेफ्टी के लिए फ्री में आपको यहां कवर मिल रहा है, 100-150 रुपए बच गए कवर के। इसके बाद रखा हुआ मिलता है स्मार्टफोन, इसे रखते हैं फिलहाल साइड, और अंदर देखें तो नजर आते हैं हमें चार्जर अडैप्टर और USB केबल, काफी हैवी चार्जर अडैप्टर दिया गया है दोस्तों, और ये है 80 वॉट का सुपर बोक चार्जर, 20-25 मिनट में ही फोन 100% चार्ज कर लेगा ये चार्जर। इसके बाद USB केबल आपको रेड कलर की मिलती है जो है Type-A to Type-C, काफी मोटी और लेंथ काफी बढ़िया आपको इस केबल की मिल जाती है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर और इसे रैपर से करते हैं आजाद, और ये निकल के आ गया हमारा स्मार्टफोन जिसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा इन एंड फील। स्मार्टफोन हाथ में बहुत ही कंफर्टेबल, काफी अच्छे से आप इसे हाथ में कैरी कर सकते हो। आजकल सभी स्मार्टफोन का जो साइज है वो काफी बड़ा है, लेकिन ये इतना बड़ा फील नहीं होता हाथ में, और काफी स्लिम भी है दोस्तों। पंच होल डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है, प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड दिया गया है। मोबाइल को हम फटाफट से बूट करके इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। मोबाइल का बैक पैनल प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है दोस्तों, और काफी यूनिक सा लग रहा है इसका बैक पैनल। मैट टाइप की फिनिशिंग आपको मिलती है, इस पर फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, और कॉर्नर हल्के से कर भी दिए गए हैं। इसके अलावा सेंटर में वन प्लस का लोगो और कैमरा मॉड्यूल पे नजर डालें तो लेंस काफी ज्यादा उभरे हुए आपको नजर आएंगे दोस्तों, कवर की जरूरत पड़ेगी नहीं तो लेंस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। यहाँ आपको मेन प्राइमरी कैमरा जो है वो मिलता है 50 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट दिया गया है। फ्रंट में जो पंच होल है इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फिट किया गया है। चारों तरफ से कॉर्नर आपको राउंडेड और यहां बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की जस्ट फॉर वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, IR ब्लास्टर रिमोट कंट्रोल के लिए, और स्पीकर ग्रिल दिया गया है, यानी कि इस पर आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, दोनों तरफ से साउंड और मूवीज देखने का आनंद आ जाएगा। लेफ्ट साइड बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा गया है, कुछ भी नहीं मिलता है। बॉटम में मिलती है आपको सिम ट्रे, इसे ओपन करके देखें तो इसके अंदर आपको हाइब्रिड स्लॉट दिए गए हैं, एक बार में आप 2 सिम कार्ड लगाओ या 1 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ नहीं लगा सकते। इसके बाद प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। हमारा स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूट हो चुका है, और इसकी जो ब्राइटनेस है इसे 100% कर देते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए। डिस्प्ले में कलर्स आपको बहुत बढ़िया लगेंगे दोस्तों, ब्राइटनेस भी काफी अच्छी मिल जाती है, 950 nits तक की पीक ब्राइटनेस आपको इसमें मिल जाती है। आउटडोर यूज करो या इंडोर यूज करो, आप इजीली यूज कर पाओगे। HDR 10 प्लस का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, Netflix या YouTube पर HDR 10 प्लस में अलग ही आनंद आप ले सकते हैं वीडियोस देखने का। इसके अलावा एज और बेजल्स आपको खुश कर देंगे, चारों तरफ से आपको बहुत ही पतले बेजल्स नजर आते हैं दोस्तों, तो ये बढ़िया लगा मुझे। हल्के से नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, इतना फर्क नहीं पड़ता। स्क्रॉल अप करते ही सारे एप्लीकेशन हमें नजर आ जाते हैं, और ये बढ़िया है कि यहाँ पर कोई
कोई फालतू प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन या फालतू प्री इंस्टॉल गेम्स नहीं दिए गए हैं, ना ही कोई ब्लोटवेयर एप्लीकेशन यहाँ पर आपको नजर आएगी। सारे के सारे गूगल की ओर से यूजफुल एप्लीकेशन ही यहाँ पर आपको दी गई है। बाकी तो प्ले स्टोर से अपनी पसंद की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। टच स्मूथ लग रहा है और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बैटरी लंबी चलानी हो तो 60 हर्ट्ज पर रखिए या ऑटो पे रखिए, और अगर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का आनंद लेना है तो 120 हर्ट्ज पर ही रहने दीजिए दोस्तों। टच काफी स्मूथ और अलग ही फीलिंग आती है दोस्तों, काफी फास्ट टच हो जाता है इसका। इसके अलावा इसमें आपको मिलती है 6.7 इंच की फुल HD प्लस फ्लूड एमुलेट डिस्प्ले दोस्तों। इस वजह से इसके कलर्स आपको बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। एस्पेक्ट रेशो 20:1:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2412 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 394 PPI की आपको इसमें मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 93.4% का आपको इसमें दिया गया है। 162.7 mm इसकी हाइट है, 75.5 mm की विड्थ और 8.2 mm की थिकनेस। तो काफी स्लिम ये स्मार्टफोन है और इसका वेट है 184 ग्राम। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है दोस्तों। पहले जो OnePlus Nord सीरीज के स्मार्टफोन थे उनमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती थी, लेकिन इस बार बैटरी बढ़ा दी है और बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम इसकी जो सेटिंग है इसे ओपन कर लेते हैं। सेटिंग का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा, हम चलते हैं सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन हमें नजर आ रहा है, इसे ओपन कर लेते हैं। ऑक्सीजन OS आपको इसमें 13.1 का दिया गया है। डिवाइस नेम और स्टोरेज को भी मेंशन किया गया है, मॉडल नेम मेंशन है। इसमें आपको प्रोसेसर 2.7 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मिल जाता है और चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782Z का दिया गया है जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। एड्रिनो 642 के ग्राफिक आपको इसमें मिल जाते हैं। 6,76,000 के आसपास इसका अंततः स्कोर चले जाता है। 8GB रैम, और आप चाहते हैं रैम को दोगुना करना तो रैम पर क्लिक कीजिए, इसके बाद रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलेगा और यहां से आप सीधे रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं 8GB और 16GB तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 का दिया गया है और एक्सपेंडेबल मेमोरी 1TB तक आप इस फोन में बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये स्मार्टफोन। चलिए दोस्तों एक छोटी सी नजर इसके कैमरा पर डालते हैं। तो जैसे ही आप कैमरा फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो सारा का सारा परमिशन अलाउ कर दीजिए। लोकेशन की परमिशन भी इसे देनी पड़ती है ताकि हमारा जो कैमरा है वो अच्छे से वर्क करे। तो फाइनली कैमरा ओपन हो गया है, तो कैमरा में क्लैरिटी नोटिस कीजिए दोस्तों। बहुत ही कलरफुल और क्लैरिटी भरा कैमरा लगा मुझे इसका, बहुत बढ़िया कैमरा क्वालिटी आपको इसकी मिल जाती है और इसमें आपको जूमिंग सपोर्ट मिल जाता है पूरे 20x का। ये यहां पर आप देख सकते हैं 20 गुना जूम सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है, तो आप जूम इन के साथ साथ जूम आउट भी कर सकते हो और काफी ज्यादा एरिया कैप्चर कर लेता है इसका कैमरा। इसके अलावा आपको यहां पर नाइट मोड दिया गया है। वीडियो मोड में चेक करने पर हमें पता लगता है कि इससे आप 4K में तक वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन वहां आपको सिर्फ 30fps का ऑप्शन मिलेगा। 1080p में 60fps में भी आप वीडियो शूट कर सकते हो और 720p में भी आप 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। फ्रंट कैमरा आपको इसका मिलता है 16MP का, बढ़िया सेल्फी कैमरा है दोस्तों, काफी कलरफुल सेल्फी कैमरा आपको इसका मिल जाता है। और यहां पर आपको कुछ पिक्चर सैंपल्स भी दिखाऊंगा जिससे आप और अच्छे से जज कर पाओ इसके कैमरा को। तो ये हमने फ्रंट कैमरा से नॉर्मल मोड में फोटो ली है दोस्तों, और इसके बाद ये दूसरी फोटो पोर्ट्रेट मोड में ली गई है। इसमें बैकग्राउंड आपको ब्लर नजर आ रहा होगा। इसके बाद ये फ्रेंड के साथ सेल्फी ली है तो ये नॉर्मल मोड में है। रियर कैमरा से कुछ ऐसी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी, क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल जाती है। और ये पोर्ट्रेट मोड में ली गई रियर कैमरा से फोटो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है। इसके बाद कुछ वीडियो सैंपल्स आप देखिए।
वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, स्टेबिलिटी जो है वीडियो में वो आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है, कलर्स अच्छे हैं। बाकी तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी आपको देखने को मिलती है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर हो, आप बहुत बढ़िया यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हैं इस फोन से। ओवरऑल स्मार्टफोन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, सारे फीचर्स आपको इसमें बढ़िया मिल जाते हैं, कैमरा क्लैरिटी आपको बढ़िया मिल जाती है, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया ही मिलना चाहिए दोस्तों। बाकी दोस्तों थोड़ा सा ओवर प्राइज हो गया स्मार्टफोन मेरे हिसाब से, 25,000 रुपये नॉर्मल प्राइस बिना कार्ड यूज़ करे होनी चाहिए दोस्तों, बढ़िया रहेगा। और कार्ड यूज़ करने के बाद अगर 23,000 रुपये के आसपास आपको ये स्मार्टफोन मिल रहा है तो बढ़िया डील रहेगी, आप परचेस कर सकते हो। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन इस बजट रेंज में, क्या आप इसे परचेस करना चाहोगे, और अगर आपने परचेस कर लिया है और यूज़ कर रहे हैं इस स्मार्टफोन का तो कमेंट बॉक्स में अच्छाइयाँ बुराइयाँ जरूर शेयर कीजिए, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।